दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के अदर वीडियोस को भी आप चेक कीजिए। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के 3 हैबिट्स के बारे में बोला था। इस वीडियो में बाकी बचे 4 हैबिट्स के बारे में मैं आपको बोलने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ आखिरी तक। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि आपके जीतने के लिए किसी हार और का हारना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस यूनिवर्स में रिसोर्सेस काफी मात्रा में अवेलेबल है जो आप और आपके जो पार्टनर है वो अच्छी तरीके से शेयर कर सकते हैं। अगर आप खुद के ही जीतने के बारे में सोचते रहेंगे तो आपका जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा। अगर आप दोनों के जीत के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली दोनों भी जीतेंगे। तो हमेशा थिंक विन विन। थिंक विन विन सिचुएशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जब आप किसी कंपनी में एज ए इंटर्न या फिर आर्टिकल बोल के ज्वाइन करते हो। कंपनी को एक अच्छा एम्प्लॉय मिल जाता है कम पैसे में काम करने वाला, और आपको भी एक अच्छा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलता है आगे जो आपको काम आता है। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड टू बी अंडरस्टूड। दोस्तों, हम किसी के साथ जब भी बातें करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से कि वो हमेशा हमें अंडरस्टैंड करे, लेकिन जब भी ये बात हमारे ऊपर आती है तो हमेशा हम भी उसको ऐसे ही बिना सोचे समझे ही रिप्लाई कर देते हैं, बिना अंडरस्टैंड किए ही रिप्लाई कर देते हैं। हमेशा हम सामने वाले की बातें सिर्फ रिप्लाई करने के लिए सुनते हैं, ना कि उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सुनते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है किसी के साथ, प्रॉपरली डील करना है किसी के साथ, तो आपको एम्पैथिक कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। एम्पैथिक कम्युनिकेशन में पहले आप सामने वाले का स्टेटस देख के, उसका कंडीशन देख के, उसको समझ के वो बातें ऐसा क्यों कह रहा है फिर रिप्लाई करते हैं, ना कि रिप्लाई करने के लिए सुनते हैं। ये बात आपको आपके बिजनेस रिलेशन, आपके वाइफ के साथ अच्छे रिलेशन और दोस्तों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए काफी जरूरी है। आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सामने वाला ये बातें क्यों कह रहा है, और वो अंडरस्टैंड करके ही आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी। दोस्तों, मैथ्स में 2+2=4 होता है, लेकिन सिनर्जी में 2+2=5 होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो काम आप अकेले रह के अचीव नहीं कर सकते हो वो साथ में मिलके आप जरूर अचीव कर सकते हो, और बिल गेट्स ने भी यही किया। जब उन्होंने खुद की सॉफ्टवेयर की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बनाई तब उनको पता था अगर उनको माइक्रोसॉफ्ट को बड़ा बनाना है तो उनको पार्टनर्स की जरूरत लगेगी, इसलिए उन्होंने हार्डवेयर के लिए डेल और एचपी के साथ पार्टनरशिप की, और प्रोसेसर के लिए इंटेल के साथ पार्टनरशिप की, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट काफी बड़ी कंपनी बन गई, और बाकी की जो कंपनी थी वो भी उनके फील्ड में काफी बड़ी बन चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, एचपी और डेल हार्डवेयर के बारे में अभी टॉप पे है, और इंटेल के प्रोसेसर पूरा वर्ल्ड यूज करता है अभी भी, और माइक्रोसॉफ्ट की पोजीशन तो आपको पता ही है। सो सिनर्जी का मतलब यही है कि जो आप अकेले अचीव नहीं कर सकते वो आप मिलके जरूर अचीव कर सकते हो। इफेक्टिव लोग जो होते हैं वो हमेशा पार्टनरशिप करते हैं और सिनर्जी का बेनिफिट लेते हैं। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। दोस्तों, शार्पन द सॉ का मतलब है रीजनरेटिंग योर सेल्फ टू बिकम अ मोर प्रोडक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपको कोई पेड़ काटना होता है तो डायरेक्टली आप सॉ से पेड़ नहीं काटते हो, पहले आप अपनी सॉ को शार्प करते हो फिर पेड़ को काटते हो, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप शार्पन सॉ से पेड़ काटोगे इससे आपकी एनर्जी बचेगी और टाइम भी बचेगा। और उसी तरह से दोस्तों, आपकी जो बॉडी है और माइंड है वो आपकी सॉ है, और आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको हमेशा उसको शार्पन रखना पड़ेगा। माइंड को शार्प रखने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, और बॉडी को शार्प रखने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो, अच्छा खाना खा सकते हो, फास्ट फूड अवॉइड कर सकते हो। तो दोस्तों, हमेशा प्रोडक्टिव रहने के लिए आपको आपकी सॉ हमेशा शार्पन रखनी चाहिए। दोस्तों, ये थी 4 हैबिट्स फ्रॉम बाकी बचे हुए 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको ये 7 हैबिट्स के बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक खरीदने की लिंक दे दी है, आप वहाँ पे जाके बुक खरीद सकते हो। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।